कल के एनालिसिस वीडियो में मैंने एक्सिस बैंक का स्टॉक बताया था और एक्सिस बैंक में मैंने बताया था जैसे ही स्टैंड लाइन का ब्रेकआउट होगा अपसाइड तो हमें अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। और आज के दिन आप देख पा रहे हैं दोस्तों एक्सिस बैंक में यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। पहली कैंडल पर ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ने अप ट्रेंड दिखाया हुआ है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो ये अप ट्रेंड जिसने भी कैप्चर किया होगा मेरी वीडियो को देख के वो अच्छा खासा प्रॉफिट बना के गया होगा। आज के दिन हमने भी एक्सिस बैंक में अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया है। यहाँ पर रेजिस्टेंस मैंने बताया था एक्सिस बैंक में 1127.90 का ये रेजिस्टेंस हमें अचीव होगा, ये भी मैंने एनालिसिस वीडियो में बताया हुआ था। और बिल्कुल उसी रेजिस्टेंस पे मार्केट ने आप देख पा रहे हैं रेजिस्टेंस लिया हुआ है और डाउनसाइड यहां से मार्केट आई हुई है। अब एक्सिस बैंक में क्या चल रहा है यहां पे आप देख पा रहे हैं कि एम पैटर्न बना हुआ है। एम पैटर्न बना के अगर मार्केट डाउन साइड आती है 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक करके तो एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है एक्सिस बैंक में। आने वाले दिनों में एक्सिस बैंक में क्या होने वाला है उसके लिए मैं स्टॉक एनालिसिस वीडियो लाती रहती हूँ दोस्तों, तो बिल्कुल भी मिस मत किया कीजिए मेरी वीडियो को। स्टॉक एनालिसिस सीखना चाहते हैं और इंडेक्स एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को ज़रूर देखा करिए और सीख सकते हैं आप मार्केट के रिलेटेड बहुत कुछ यहाँ पर इस चैनल पर। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए आज की वीडियो में देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस, निफ्टी बैंक निफ्टी में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या बन रहा है, लेवल क्या निकल के आ रहे हैं, प्रॉफिट हम कहाँ पे बुक कर सकते हैं और उसके बाद जानेंगे ऑप्शन चेन डेटा, ऑप्शन चेन डेटा क्या कह रहा है, कहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से बन रहा है। उसके बाद स्टॉक एनालिसिस करेंगे, स्टॉक कौन से इंट्राडे में बेहतर निकल के आ रहे हैं इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए जिसकी मदद से हम स्टॉक में भी अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं, यहाँ पर निफ्टी का चार्ट मैं यहाँ पर ओपन कर लेती हूँ। निफ्टी का चार्ट मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया, आप देख पा रहे हैं निफ्टी ने यहाँ पे ओपनिंग देने के बाद एक अच्छा खासा डाउनसाइड का मूवमेंट दिखाया हमें और ये रेजिस्टेंस मैंने कल के दिन बताया था एनालिसिस वीडियो में, यही रेजिस्टेंस से जो है मार्केट डाउनसाइड आई हुई है। सपोर्ट यहाँ पे बन रहा था 50 मूविंग एवरेज का, अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखें तो यहाँ पर सपोर्ट बन रहा था 50 EMA का और सपोर्ट को ही यहाँ पे हम जो है मान रहे थे कि सपोर्ट को टच करके मार्केट अपट्रेंड में निकलेगी। तो यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लेने की कोशिश की लेकिन ज़्यादा सपोर्ट ले नहीं पाई और यहाँ पे सेकंड वाला जो सपोर्ट मैंने बताया था 21,350 का ये सपोर्ट लिया और मार्केट ने अपट्रेंड दिखाया हुआ है। यहाँ पर जिसने भी होल्ड किया होगा यहाँ पे समझ लीजिए मूविंग एवरेज के नीचे किसी ने एंट्री ली होगी या फिर किसी ने होल्ड करके रखा होगा, स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं किया होगा, उसका लॉस हुआ रहेगा और यहाँ पे जो है पुट साइड एंट्री वालों एंट्री लेने वालों का लॉस बिल्कुल हुआ रहेगा दोस्तों, क्योंकि उनको लग रहा होगा कि मूविंग एवरेज के नीचे आ गई है मार्केट और यहाँ पर हमें और बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन मैंने कल के एनालिसिस वीडियो में सपोर्ट ऑलरेडी आपको बता दिया था कि ये सपोर्ट बन रहा है, दूसरा हमारे पास यहाँ पर पहला सपोर्ट यही बन रहा है जो है 21,350 का, यहाँ से जो है मार्केट एक रिवर्सल ले सकते हैं, ये भी मैंने कल के एनालिसिस वीडियो में आपको बताया हुआ था। तो यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल लिया, रिवर्सल भी हमने प्लान किया था यहाँ पे, जैसे ही मार्केट रिवर्सल लेगी तो हम यहाँ से रिवर्सल प्लान कर सकते हैं और मैंने यहाँ पे रिवर्सल प्लान किया मूविंग एवरेज के ऊपर जब मार्केट निकली तो मैंने यहाँ पर रिवर्सल प्लान किया और यहाँ तक का प्रॉफिट फिर से बुक किया, मतलब पुट साइड भी मैंने प्रॉफिट बुक किया है और कॉल साइड भी यहाँ पे प्रॉफिट बुक किए हैं। दोनों ही ट्रेड आज सक्सेसफुल रहे निफ्टी में। कल के दिन क्या हो सकता है, रेजिस्टेंस यही बना हुआ है हमारे पास, पहला रेजिस्टेंस जो है 21,491 का, अगर ये रेजिस्टेंस इस तरह से ब्रेक हो जाता है कल के दिन प्राइस एक्शन के साथ तो ऊपर की तरफ हमारे पास 1:2 का टारगेट है निफ्टी में, निफ्टी में हम 1:2 का टारगेट बुक कर सकते हैं। कल के एनालिसिस वीडियो में मैंने कौन सा टारगेट बताया था आपको, 21,600 का, अगर कल के दिन मार्केट निकलती है अगर ऊपर की तरफ तो 21,600 भी दिखा सकती है, लेकिन रिस्की ट्रेडर जो है स्टॉप लॉस को ट्रेड करके 21,600 तक का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना नहीं आता आपको 1:2 का टारगेट लेके एग्जिट हो जाना है। नीचे की तरफ अगर निकलती है तो ये सपोर्ट ब्रेक होने का वेट कीजिएगा जो है 21,350 का सपोर्ट, अगर ये ब्रेक हो जाता है कल के दिन तो हमारे पास अगला सपोर्ट निकल के आ रहा है 21,207 का, यहाँ तक का टारगेट हम बिल्कुल अचीव कर सकते हैं निफ्टी में। कल के एनालिसिस वीडियो में ये गैप बताया था मैंने, गैप फिल करने के लिए आ सकती है मार्केट, तो हो सकता है कल के दिन जो है निफ्टी ये गैप फिल करने के लिए आए। तब तक ये जो 200 दिन की मूविंग एवरेज आपको दिख रही है यहाँ पे ब्लू कलर की,
ये यहाँ तक मूवमेंट कर देगी, यहाँ तक मूवमेंट दिखा देगी और 200 दिन की मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट हो जाएगा। ऑलरेडी सपोर्ट तो यहाँ पे बना हुआ है ही, तो मार्केट अगर डाउन साइड आती है तो यहाँ से एक रिवर्सल मिल सकता है हमें। रिवर्सल के लिए हम फिर से प्लान कर सकते हैं, जैसे ही यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल हमें दिखती है रिवर्सल प्लान कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही कन्फर्मेशन है। मूविंग एवरेज का सपोर्ट ऑलरेडी सपोर्ट बना हुआ है, तीसरा कन्फर्मेशन अगर हमें यहाँ पर मिल जाए, एक बुलिश कैंडल दिख जाए, तो हम यहाँ पर जो है रिकवरी प्लान कर सकते हैं फिर से। चलिए बैंक निफ्टी में देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या लेवल निकल के आ रहे हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट अगर हम यहाँ पे ओपन करें तो बैंक निफ्टी में आप देख पा रहे हैं बैंक निफ्टी ने भी एक अच्छा खासा एम पैटर्न बनाया हुआ है। जैसे कि निफ्टी में मैं बताना भूल गई आपको, एम पैटर्न बनाया हुआ है अच्छा खासा निफ्टी ने। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अच्छा खासा एम पैटर्न बना हुआ है निफ्टी में, और एम पैटर्न अगर ब्रेकआउट हो जाता है कल के दिन नेक लाइन का, नेक लाइन ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे जैसे ही रिट्रेसमेंट लेने जाएगी मार्केट, तो यहाँ पे हम एक और पुट साइड का एंट्री प्लान कर सकते हैं। बैरिश कैनल दिखते ही बैरिश कैनल के जो लो है वो ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो हम यहाँ पर एंट्री लेंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट हम यहाँ पर बना सकते हैं इस सपोर्ट तक का, ठीक है। उसी तरह से बैंक निफ्टी में भी बन रहा है, अगर आप देखें बैंक निफ्टी में भी एम पैटर्न बन रहा है, इस तरह से एम पैटर्न बना हुआ है। अगर नेक लाइन, जो ये नेक लाइन है, इसका ब्रेकडाउन हो जाता है तो हम एंट्री बिल्कुल भी नहीं लेंगे, यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है आपको, क्योंकि नीचे 200 दिन की मूविंग एवरेज है। मार्केट 200 दिन की मूविंग एवरेज को टच करके एक रिवर्सल ले सकती है, तो 200 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक होने का वेट कीजिएगा। अगर आप समझ लीजिए बैंक निफ्टी यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग होती है तो यहाँ तक का टारगेट आप प्लान कर सकते हैं, यहाँ तक का ही टारगेट आपको प्लान करना है, क्योंकि यहाँ से भी मार्केट रिवर्सल ले सकती है। 200 दिन की मूविंग एवरेज इस तरह से आ जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे 200 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट बन जाएगा, प्लस यहाँ पे ऑलरेडी सपोर्ट बना हुआ है, नेक लाइन बनी हुई है, तो यहाँ से मार्केट बिल्कुल रिकवरी दिखा सकती है। तो हमें ट्रैप बिल्कुल भी नहीं होना है, हमें सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक का टारगेट बुक करना है। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होती है तो, अगर मार्केट यहाँ पे कहीं भी ओपन होती है तो हमें बिल्कुल भी एंट्री नहीं लेनी है। यहाँ पे आपको बुलिश कैंडल दिखती है, बुलिश कैंडल का अपसाइड ब्रेकआउट होता है तो हम कॉल साइड एंट्री ले सकते हैं। यहाँ तक का हमारा पहला टारगेट होगा ये रेजिस्टेंस तक का। रेजिस्टेंस देख लेते हैं, पहला रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी में है 47,988 का, दूसरा रेजिस्टेंस है 48,221 का। यहाँ तक का टारगेट हम बुक कर सकते हैं, पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट। नीचे की तरफ बात करें तो सपोर्ट बना हुआ है 47,593 का, ये सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मूविंग एवरेज भी इस तरह से मूवमेंट दिखा देगी, दोनों ही हमारे पास कन्फर्मेशन हो जाएगा कि यहाँ से मार्केट एक रिवर्सल ले सकती है। अगर रिवर्सल नहीं लेती, मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन हो जाता है, सपोर्ट का भी ब्रेकडाउन हो जाता है, तो नीचे की तरफ हमारे पास सपोर्ट है 47,139 का। यहाँ तक का मूवमेंट बिल्कुल मार्केट दिखा देगी, क्योंकि कल के एनालिसिस वीडियो में भी मैंने बताया था कि यहाँ पे एक गैप छोड़ा हुआ है बैंक निफ्टी ने, वो गैप फिल करने के लिए मार्केट आ सकती है, लेकिन पूरा गैप फिल करने के लिए मार्केट को मूविंग एवरेज को ब्रेक करना पड़ेगा, जो 200 दिन की मूविंग एवरेज है उसको। 50 दिन की मूविंग एवरेज रेड कलर की है, 200 दिन की मूविंग एवरेज जो है ब्लू कलर की है। ये दोनों ही मूविंग एवरेज के बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके वीडियो को देख सकते हैं। डिटेल में समझा रखा है, सेटिंग बता रखा है मूविंग एवरेज का, आप ज़रूर जाके देखें। ऑप्शन चेन डेटा को देख के किस तरह से प्रॉफिट निकाला जाता है लाइव मार्केट में, उसके बारे में भी एक वीडियो बना रखी है मैंने, उस वीडियो को भी ज़रूर जाके देखिए, आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। डिटेल में सिखा रखा है किस तरह से लाइव मार्केट में आप ऑप्शन चेन डेटा को देख के प्रॉफिट बना सकते हैं। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन चेन डेटा क्या कह रहा है। 930 के बारे में मैंने स्ट्रैटेजी बना रखी है, RSI के बारे में स्ट्रैटेजी बना रखी है, सारे इंडिकेटर के बारे में स्ट्रैटेजी बना रखी है, विदाउट इंडिकेटर आप किस तरह से प्रॉफिट कर सकते हैं, जो पेड कोर्स में भी नहीं सिखाई जाती वो सारी स्ट्रैटेजी मैं अपने चैनल पर लेके आती हूँ दोस्तों, तो बिल्कुल भी मिस मत किया कीजिए मेरी वीडियो को, मेरी हर आने वाली वीडियो को देखा करिए, आपको बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है मेरी वीडियोज़ को देख के। सारी वीडियो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आई बटन में भी मैंने कई थोड़ी सी वीडियो दे रखी है, और एंड स्क्रीन में भी आपको थोड़ी सी वीडियो मिल जाएगी। चलिए निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा यहाँ पे ओपन कर रखा है। निफ्टी में अगर हम देखें अभी तक का डेटा कह रहा है कि यहाँ पे निफ्टी में जो है 21,400 का लेवल बहुत ज़्यादा मजबूत बना हुआ है, 21,500 भी अच्छा खासा लेवल बना हुआ है, तो ये जो लेवल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कल के दिन निफ्टी में। 21,300, 21,400 और 21,500 ये हम अभी तक का जो है डेटा कह रहा है, जैसे लाइव मार्केट में अपडेट होता रहता है
डेटा, तो हमें जो है लाइव मार्केट में ही ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लाइव मार्केट में किस तरह से ऑब्जर्व किया जाता है उसके लिए वीडियो बना रखी है ऑप्शन चेन डेटा की, उससे ज़रूर जाके देखिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा मैंने ओपन कर रखा है। बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट अगर हम देखें तो 47,800 पे अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट नज़र आ रहा है। इस तरफ अगर हम देखें तो 48,000 का लेवल मजबूत बना हुआ है। ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि सारे लेवल इंपॉर्टेंट है। 47,700, 47,600 हर एक लेवल पे जो है ओपन इंटरेस्ट भर भर के बैठा हुआ है दोस्तों। तो हो सकता है कल के दिन मार्केट थोड़ा सा जो है बैंक निफ्टी थोड़ा सा साइडवेज रहे, क्योंकि मैंने जैसे दिखाया नीचे 200 दिन की मूविंग एवरेज है प्लस सपोर्ट है, तो हो सकता है कल के दिन मार्केट साइडवेज रहे। वैसे ऑप्शन चेन डेटा हमें लाइव मार्केट में बता देता है कि किस तरह से मार्केट मूवमेंट करने वाले, उसी तरह से हम बिहेव कर सकते हैं। बहुत कुछ सिखा रखा है मैंने अपनी वीडियोस में, आप वीडियोस को जाके देखिए। मार्केट आप ऐसे ही सीख जाओगे, कोई कोर्स लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरी वीडियोज़ को देख के ही आप मार्केट सीख जाओगे। कोर्स लेना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टॉक देख लेते हैं, स्टॉक कौन से बेहतर निकल के आ रहे हैं इंट्राडे में। स्टॉक मैंने यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ओपन कर रखा है। ये स्टॉक में आप देख पा रहे हैं 200 दिन की मूविंग एवरेज का यहाँ पर रेजिस्टेंस बना हुआ है और 50 दिन की मूविंग एवरेज का यहाँ पर सपोर्ट बना हुआ है। एक ट्रायंगल पैटर्न मैंने ड्रॉ किया हुआ, आप देख पा रहे हैं ट्रायंगल पैटर्न का अगर ब्रेकआउट हो जाता है कल के ऊपर की तरफ तो 200 दिन के मूविंग एवरेज का भी ब्रेकआउट हो जाएगा प्लस ट्रायंगल पैटर्न का भी ब्रेकआउट हो जाएगा, दोनों ही कंफर्मेशन हमें मिल जाएगी। और हमारा पहला टारगेट जो है इस स्टॉक में होने वाला है 552 का, दूसरा टारगेट डायरेक्टली 452 का पहला टारगेट होगा, 454 का हमारा दूसरा टारगेट होने वाला है इस स्टॉक में। ये दोनों ही रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, यहां तक का टारगेट हम बुक कर सकते हैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करके। नीचे की तरफ बात करें तो नीचे की तरफ अगर ब्रेकडाउन होता है तो सपोर्ट बना हुआ है यहाँ पे हमारे पास, पहला जो सपोर्ट हम बात करें तो 445 का पहला सपोर्ट है यहाँ पे, और दूसरा सपोर्ट अगर हम बात करें तो डायरेक्टली 442 का बन के निकल के आ रहा है स्टॉक में। यहाँ तक का मूवमेंट हम बिल्कुल कैप्चर कर सकते हैं इस स्टॉक में। ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर ये हो जाता है तो अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिल जाएगा, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा स्टॉक में जब तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता। स्टॉक के नाम भी बताऊंगी, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिए। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, दूसरा स्टॉक मैंने ओपन कर रखा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पे देख पा रहे हैं ट्रायंगल पैटर्न अच्छा खासा बना हुआ है प्लस नीचे आप देख पा रहे हैं 200 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट बना हुआ है। ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन बन रही है, अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कल के दिन हो जाता है, ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हो जाता है तो हमें स्टॉक में जो है 732 तक का लेवल देखने को मिल जाएगा, पहला टारगेट हमारा यही होने वाला है। ऊपर की तरफ बात करें तो नेक्स्ट टारगेट हमारे पास जो है वो है 735 का, यहाँ तक का मूवमेंट भी हमें स्टॉक में देखने को मिल सकता है। नीचे की तरफ बात करें तो नीचे ब्रेकडाउन होना ज़रूरी है, अगर ब्रेकडाउन हो जाता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है ये 200 दिन की मूविंग एवरेज तक का हो जाएगा, यहाँ तक मार्केट बिल्कुल आ सकती है। और अगर एग्जैक्टली टारगेट बताऊँ तो यहाँ पर 200 दिन की मूविंग एवरेज इस तरह से मूवमेंट करेगी तो 724 का टारगेट बनेगा। तो 200 दिन की मूविंग एवरेज के बाद जैसे ही मार्केट आती है आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना है, एग्जिट हो जाना है, ठीक है। ये एनालिसिस है ये दोनों ही स्टॉक की, दोनों में ही ट्रायंगल पैटर्न बन रहे हैं, कंफर्मेशन बहुत ज़्यादा है। अगर 50 दिन के मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट डे के और ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट डे के मार्केट ऊपर निकलती है तो एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है इस स्टॉक में। स्टॉक के नाम बताने जा रही हूँ दोस्तों, कोर्स लेना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्टॉक का नाम बता देती हूँ, यहाँ पे स्टॉक जो मैंने ओपन कर रखा है ये है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में अच्छा खासा मूवमेंट हमें नज़र आ रहा है, काफ़ी कंफर्मेशन हमारे पास है एंट्री लेने के लिए और एग्जिट होने के लिए, मैंने आपको लेवल बता दिए हैं तो ये स्टॉक पे नज़र बनाए रखिए। दूसरा जो स्टॉक मैंने यहाँ पर बताया था वो है BPCL। BPCL में भी एक ट्रायंगल पैटर्न चार्ट पैटर्न का यहाँ पे हमें कंफर्मेशन है प्लस 200 दिन की मूविंग एवरेज का भी कंफर्मेशन है। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो 200 दिन की मूविंग एवरेज का भी ब्रेकआउट हो जाएगा, ट्रायंगल पैटर्न का भी ब्रेकआउट हो जाएगा, दोनों ही कंफर्मेशन हमारे पास यहाँ पर मिल रहे हैं। नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होता है तो नीचे 50 दिन की मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन हो जाएगा प्लस ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो जाएगा, ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकडाउन हो जाएगा,
तीनों ही कंफर्मेशन हमारे पास नीचे की तरफ एंट्री लेने के लिए है। तो इतने सारे कंफर्मेशन के बाद अगर आप एंट्री लेते हैं तो अच्छा प्रॉफिट आप जो है स्टॉक में बना सकते हैं। तो इस स्टॉक पे भी नज़र बनाए रखिए, स्टॉक का नाम है BPCL। तो यही था दोस्तों वीडियो में, वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाने के लिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली अन्य वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि और लोग भी इस वीडियो को देख के एनालिसिस करना सीख सके, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके, अपने लॉस को धीरे धीरे रिकवर कर सके। थैंक यू सो मच दोस्तों।